नमस्कार दोस्तों, एम्पियन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2021 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार के नए महालेखाकार कौन बनाए गए हैं? Who has been appointed the new Accountant General of Bihar? The right answer is option number B, Ramavatar Sharma. इस पद को Principal Accountant General भी कहा जाता है। इन्होंने प्रधान महालेखाकार प्रवीण कुमार सिंह से अपना प्रभार ग्रहण किया है। इस पद को ग्रहण करने से पहले रामावतार अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित प्रधान निदेशक कार्यालय के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार पूरे देश में महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत में बिहार की रैंक क्या है? अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 पब्लिश्ड बाय टाटा ट्रस्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द परसेंटेज ऑफ वुमन पुलिस पर्सनल इन द एंटायर कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहला रैंक है बिहार का। बिहार में महिला पुलिस कर्मी का कुल संख्या का प्रतिशत 25.30 हो गया है। यह देश के बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की तुलना में दुगनी से भी अधिक है। और दिलचस्प बात यह है कि अभी महिला कांस्टेबल के 27% पदों पर नियुक्ति होनी बाकी है। सेकेंड नंबर पे है तमिलनाडु, जहां पर प्रतिशत है 18.5। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है 12.5% के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच पद्मा अवार्ड वॉज गिवन पोस्थमसली टू फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इन्हें मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म सम्मान से सम्मानित होने वाले लोगों के नामों की घोषणा कर दी। लोक सेवा में उल्लेखनीय काम के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? How many people from Bihar have been conferred with the Padma Awards 2021? The right answer is option number C. कुल 5 व्यक्तियों को मिला है। एक तो पद्म भूषण मिला है रामविलास पासवान जी को और 4 पद्मश्री दिया गया है। पहला नाम है रामचंद्र मांझी का, ये भिखारी ठाकुर के नाच परंपरा को आगे बढ़ाने वाले दबे कुचले समाज से आते हैं। दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को समाज एवं चिकित्सा सेवा में बेहतर कार्य के लिए। और चौथे व्यक्ति हैं मृदुला सिन्हा, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये गोवा की राज्यपाल रह चुकी हैं, इन्हें भी पोस्थमसली ये अवार्ड मिला है। किस जिले के निवासी डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री 2021 से पुरस्कृत किया गया है? डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह रेजिडेंट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अवार्डेड विद पद्मश्री 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये भागलपुर के रहने वाले हैं। 1980 में गरीबों के बीच मुफ्त पोलियो टीका वितरण के लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। 1980 में देश के पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने ग्रामीण बच्चों को पोलियो का निशुल्क टीकाकरण करवाया था, अपने खुद के पैसे खर्च करके। दोस्तों, एम्पियन अकेडमी ने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर ली है। आप जैसा कि जानते हैं 66वीं बीपीएससी में एम्पियन अकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही थी। 36 प्रश्न उस करंट अफेयर्स पीडीएफ से पूछे गए थे। इसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए थे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स से 7 प्रश्न और बिहार करंट अफेयर्स पीडीएफ से 10 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में एम्पियन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से आए थे। तो उसी प्रकार की तैयारी हमने 67वीं बीपीएससी के लिए की हुई है। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार शाम को 6 बजे प्रसारित होती है। उसके अलावे बिहार करंट अफेयर्स मंथली वीडियो आपको मिलती है, इसकी पीडीएफ संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी। और साथ साथ में मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, जिसकी वीडियो नहीं जारी होती है, पीडीएफ के रूप में मिलता है। इस प्रकार से कुल 50 पीडीएफ आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के मिलेंगे, जिसमें 12 महीने के लिए 48 वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज हो गए, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक
यूनियन बजट का होगा। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स में 14 पीडीएफ मिलेंगे 12 महीने का, बिहार मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ और साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का, और मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स आपको 12 पीडीएफ 12 महीने का मिलेगा। दोस्तों इसके लिए बहुत ही मामूली शुल्क रखी गई है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एक ही बार आपको पे करना है 600 रुपीज और आपको संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स का ये बहुप्रतीक्षित पीडीएफ बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बैंकिंग डिटेल देखिए यहाँ पर दी गई है, प्रियंका कुमारी के नाम से बैंक अकाउंट है, आई इसमें नहीं है ध्यान रखिएगा प्रियंका में, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर भी दिया गया है, साथ साथ में यदि आप पेटीएम फोनपे यूपीआई या गूगल पे के थ्रू से पे करना चाहें तो एक ही नंबर है 7366005556। आपको बस ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर सेम ही है 7366005556 पे भेज देना है। आपको एक पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट इन थिएटर अवार्ड दिया गया है, हु हैज रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन थिएटर अवार्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यह है रामचंद्र मांझी, यही है, ये भिखारी ठाकुर रंग मंडल के वरिष्ठ कलाकार एवं नाच भिखारी नाच फिल्म के मुख्य किरदार हैं। बिहार के मशहूर लौंडा नाच के लिए प्रसिद्ध इस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 से भी नवाजा जा चुका है, इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी 2021 में दिया गया है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रिसेंटली विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन कन्फर्ड विद द महावीर अवार्ड, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आनंद कुमार को, यह सुपर 30 के संस्थापक हैं, हर साल दिया जाने वाला यह सम्मान भगवान महावीर फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा प्रदान किया गया। जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जनता का सेवक नीतीश कुमार, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शफक बानो, ये जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव है। यह पुस्तक नीतीश कुमार पर लिखे गए कुल 39 लेखों का संग्रह है। इस पुस्तक का लोकार्पण जदयू के पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य वशिष्ठ नारायण सिंह द्वारा किया गया। डॉक्टर शैबाल गुप्ता जिनका निधन हाल ही में हो गया का संबंध किस क्षेत्र से था, डॉक्टर शैबाल गुप्ता हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से संबंधित थे, ये सोशल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट थे। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैबाल गुप्ता का निधन पटना में हो गया। डॉक्टर शैबाल गुप्ता की बिहार विधानमंडल में पेश होने वाली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार कराने में भी विशेष भूमिका रहती थी। डॉक्टर शैबाल गुप्ता की बिहार विधानमंडल में पेश होने वाली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार कराने में भी विशेष भूमिका रहती थी और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होने के बाद विधानसभा में वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मौजूद रहते थे और अपनी टिप्पणी देते थे। बिहार के किस चिकित्सक को अमेरिका के डिस्टिंग्विश्ड अब्स्ट्रैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, विच डॉक्टर फ्रॉम बिहार हैज बीन ऑनर्ड विद द डिस्टिंग्विश्ड अब्स्ट्रैक्ट अवार्ड ऑफ यूएसए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर स्वर्णिमा सिंह, ये नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहटा पटना के बायोकेमिस्ट्री विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक है। इन्हें यह अवार्ड 2020 के लिए ओवेरियन कैंसर में सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल की महत्ता के लिए प्रदान किया गया है। यह अवार्ड अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री द्वारा प्रदान किया गया है। शहरी शासन सूचकांक यूजीआई 2020 में बिहार की रैंक क्या रही, व्हाट वाज बिहार्स रैंक इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स यूजीआई 2020, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10वां रैंक रहा है, स्कोर रहा है बिहार का 36.19 आउट ऑफ 100। यह रैंकिंग प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी की गई है। टॉपर रहा है उड़ीसा और बॉटम रहा है नागालैंड। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि पद्म नारायण झा विरंची का निधन हाल ही में हो गया, पद्म नारायण झा विरंची हु पास्ड वेरी रिसेंटली वाज ए नोटेड राइटर एंड पोएट ऑफ विच लैंग्वेज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये मैथिली के लेखक भी थे और कवि भी थे। 1967 में समाजवादी युवजन सभा के बिहार संयोजक बने थे।
1970 में सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख, जनता साप्ताहिक के संपादक भी बने थे। 1980 में इन्हें डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा मौसम विज्ञान केंद्र पटना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेट्रोलॉजिकल सेंटर पटना विच इज इन द न्यूज रिसेंटली वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना हुई थी 1867 में ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियर्स द्वारा। इसके बाद आर्मी मेडिकल कोर द्वारा महामारी और अन्य बीमारियों पर मौसम के प्रभाव के अध्ययन के लिए इसे संचालित किया जाता रहा। न्यूज में क्यों है, मौसम विज्ञान केंद्र पटना को विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जेनेवा की ओर से शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा मिला है। किस बिहारी लड़की ने केदारकंठ के सर्वोच्च शिखर पर तिरंगा लहराकर एक राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है? विच बिहार गर्ल हैज सेट नेशनल रिकॉर्ड बाय होस्टिंग द ट्राइकलर ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ केदारकंठ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम है अपर्णा और ये नालंदा जिले की रहने वाली हैं। इन्होंने 30 दिसंबर को केदारकंठ की 12,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोविंद वन्यजीव अभयारण्य में स्थित केदारकंठ ट्रैक की ऊंचाई 300 मीटर यानी 12,500 फीट है और पूरा ट्रैक लगभग 20 किलोमीटर का है। बिहार में किस वर्ष पहली बार मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ह्यूमन चैन ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले 2017 में इसका आयोजन हुआ था जनवरी 21 को। नशा मुक्ति के पक्ष में 12,760 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी थी और इसमें 4 करोड़ लोग शामिल हुए थे। दूसरी जो मानव श्रृंखला बनी है वो जनवरी 21, 2018 को बनी थी। आयोजन हुआ था दहेज व बाल विवाह की कुप्रथा के खिलाफ। इसमें 3,80,00,000 बिहारवासी शामिल हुए थे। न्यूज में क्यों है, 19 जनवरी 2020 को बिहार में जल जीवन हरियाली पर बनी राज्यव्यापी मानव श्रृंखला, जो कि इस सीरीज में तीसरी श्रृंखला थी, को दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमन चैन माना गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2021 में इस उपलब्धि को प्रकाशित किया गया है। उस समय यह मानव श्रृंखला 18,034 किलोमीटर लंबी थी और इसमें 5,16,71,000 लोग शामिल हुए थे। भारत सरकार ने पटना नगर निगम क्षेत्र को दिसंबर 2020 के प्रभाव से स्वच्छता का कौन सा क्षेत्र घोषित किया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विच एरिया ऑफ सैनिटेशन विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसे ODF प्लस घोषित किया गया है। जिन भी शहरों में आबादी के अनुपात में सरकार द्वारा तय किए गए निजी, सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था होती है वह खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित किया जाता है, लेकिन पटना को ODF प्लस घोषित किया गया है। तो ODF प्लस कब घोषित किया जाता है, यदि किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच करते या यूरिनेट करते हुए नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक और सुव्यवस्थित होते हैं तो इसे ODF प्लस घोषित किया जाता है, जिसे पटना नगर निगम को कर दिया गया है। बिहार का पहला ट्रैफिक IG किसे बनाया गया है? Who has been appointed the first traffic IG of Bihar? The right answer is option number A. ये हैं MR नायक। ट्रैफिक IG पर पूरे राज्य की यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। नायक हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं। राजधानी समेत राज्य के बड़े शहरों में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए यह नियुक्ति की गई है। बिहार का पहला नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जा रहा है? Where is the first national skill institute of Bihar being opened at? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा में। यह पहला राष्ट्रीय कौशल विकास का इंस्टीट्यूट होगा जहां लड़के और लड़कियां दोनों प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। यह 7 एकड़ में बनेगा। इस इंस्टीट्यूट में बाजार की मांग के अनुरूप अत्याधुनिक ढंग से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। आत्मनिर्भर बिहार और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत सर्वाधिक जोर युवाओं को प्रशिक्षित कर दक्ष बनाने पर है। बिहार में राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द स्टेट बर्ड फेस्टिवल कलरव ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई में। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 15 जनवरी को किया गया। पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने और युवाओं में पक्षी प्रेम जगाने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन और
जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पक्षी व प्रकृति के क्षेत्र से जुड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नामचीन संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिकों के सहयोग से इसका आयोजन 17 जनवरी 2021 तक किया गया। बिहार के सभी जिलों और अनुमंडल अस्पतालों की कैंटीन अब किस नाम से चलाया जाएगा? बाय व्हाट नेम विल द कैंटीन ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिविजन हॉस्पिटल्स इन बिहार नाउ बी रन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दीदी की रसोई। इन अस्पतालों की कैंटीन अब जीविका दीदियां चलाएंगी। इसके साथ ही प्रति मरीज को रोज के भोजन के लिए मिलने वाली राशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। बिहार सरकार ने दीदी की रसोई के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए कुटुंबश्री से करार किया है। बिहार के किस व्यक्ति को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से प्रतिष्ठित विलियम एच फोगो ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया है? विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड थ्रू द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रीति प्रियदर्शनी, यही है। यह विकासशील देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के उन्नति के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध छात्रों को दिया जाता है। प्रियदर्शनी ने भारत के विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। झारखंड, बिहार और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर के रूप में इन्होंने काम किया है। बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन का सर्टिफिकेट दिया गया है? विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन गिवन द सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने और राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानित किया है। वह लगातार 3 टर्म से बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। बिहार के किस व्यक्ति ने लगातार 1 मिनट 20 सेकेंड तक शंख बजाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज रजिस्टर्ड हिज नेम इन द गिनीज बुक बाय कंटिन्यूअसली प्लेइंग कॉन्च फॉर 1 मिनट 20 सेकेंड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यह शंभू कुमार, यही है। ये बेगूसराय के रहने वाले हैं और वर्तमान में भारतीय सेना में 16 राजपूत रेजिमेंट में कार्यरत हैं। पूर्व में लगातार शंख बजाने का रिकॉर्ड भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड में 53 मिनट, इंडिया स्टार बुक में 53 मिनट, जबकि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 33 मिनट का है। शंभू ने बताया कि जब गिनीज बुक वालों ने 70 सेकंड तक शंख बजाने का लक्ष्य दिया तो इन्हें थोड़ा कठिन लगा, परंतु इन्होंने लगातार योग करके 5 मिनट तक सांस रोकने का अभ्यास किया और तब फिर 80 सेकंड लगातार शंख बजाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। बिहार सरकार ने किनकी अध्यक्षता में धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया है? अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज द बिहार गवर्नमेंट सेटअप ए बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अखिलेश कुमार जैन। गया के विष्णुपद मंदिर की बदहाली पर दायर हुई लोकहित याचिका की सुनवाई में पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया है। करीब 5 साल से बोर्ड विघटित पड़ा हुआ था। इसमें कुल 10 सदस्य नामित किए गए हैं और पूर्व विधि सचिव अखिलेश कुमार जैन को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर ऑनलाइन टिकट बुकिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चलो के साथ। इससे निगम के पटना नगर सेवा की बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन, चलो ऐप, मोबाइल पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रीपेड कार्ड, मंथली पास, स्टूडेंट पास तथा व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सेवाएं जो पहले से ही चलो ऐप दे रही है ये आगे भी जारी रह सकेंगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ ही बसों में GPS भी लगाया गया है ताकि लोग बसों की लाइव लोकेशन की जानकारी ले सकें। तो चलो एक ऐप है, इसके साथ ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने समझौता किया है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को गृहा काउंसिल ने 5-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है? विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हैज बीन अवार्डेड 5-स्टार रेटिंग बाय गृहा काउंसिल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? ये नालंदा जिले में राजगीर में है। गृहा का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का निर्माण जल, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक अनोखी योजना के साथ किया जा रहा है ताकि अनिवार्य रूप से हर स्तर पर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और उसकी निरंतरता बरकरार रखी जा सके। नेट जीरो परिसर तैयार करने के लिए नेट जीरो ऊर्जा, नेट जीरो जल,
नेट जीरो अपशिष्ट और नेट जीरो उत्सर्जन की योजना तैयार की गई है इस विश्वविद्यालय के द्वारा। 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बिहार के किस महिला को प्रदान किया गया है? विच वुमन ऑफ बिहार हैज बीन अवार्डेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ऑफ 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रंजू कुमारी। ये सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ANM है। रंजू ने 9 सितंबर 1998 को यहाँ PHC में योगदान दिया था और तब से मरीजों की सेवा में लगी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में भारत सरकार ने नर्सों के अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित देने के लिए किया था और 2020 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती है, ये ध्यान में रखिएगा। बिहार के पहले 8-सीट रोपवे का सफल ट्रायल हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? वेयर हैज द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ द फर्स्ट 8-सीट रोपवे ऑफ बिहार बीन कंप्लीटेड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजगीर हिल्स, नालंदा जिले में है। इस रोपवे को यूरोपीय महाद्वीप के ऑस्ट्रिया देश से लाया गया है। इस 8-सीटर केबिन में अब पर्यटकों को एकल रोपवे की तरह बैठने की जरूरत नहीं होगी। इसकी तकनीक ऐसी है कि इसके केबिन में पर्यटकों की एंट्री व एग्जिट के क्रम में डोर ऑटोमेटिकली ओपन व क्लोज होगा। इस रोपवे की कुल लंबाई 1700 मीटर है। इसके लिए कुल 6 टावर लगाए गए हैं जिनकी ऊंचाई जमीन से 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर है। पटना में महत्वाकांक्षी परियोजना दीघा आर ब्लॉक 6 लेन सड़क का नाम किस पर रखा गया है? आफ्टर होम इज द एम्बिशियस प्रोजेक्ट दीघा आर ब्लॉक 6 लेन रोड इन पटना नेम्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नाम रखा गया है, अटल पथ। यह प्रदेश की पहली ऐसी सड़क है जिसमें नाइज बैरियर के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सड़क का उद्घाटन किया है और इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इसकी कुल लंबाई है 6.3 किलोमीटर। अंतिम प्रश्न, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बिहार का स्कोर क्या है? व्हाट इज बिहार्स स्कोर इन द नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 14.48 और ये लास्ट रैंक पे है। मेजर स्टेट्स कैटेगरी में 17th रैंक आया है। बड़े राज्यों यानी मेजर स्टेट में औसत नवाचार स्कोर रहा 25.35। कर्नाटक शीर्ष पर है 42.5 स्कोर के साथ में। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और बिहार को सबसे अंतिम स्थान मिला है। दोस्तों, जनवरी महीने से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे 30 MCQs में शामिल किया गया है। लेकिन इसके अलावे भी ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसके लिए हमने चलते चलते सेक्शन बनाया है यानी बिहार से जुड़ी छोटी बड़ी सभी करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। ये आपको PDF के रूप में मिलेगा चलते चलते सेक्शन, क्योंकि यदि चलते चलते सेक्शन को शामिल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।